नमस्कार दोस्तों, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल में आपका स्वागत है। माय नेम इज किशन सोनी और आज हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट्रॉन का G4 G210 ग्राफिक कार्ड। ये HIS कंपनी की तरफ से लॉन्च हुआ लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड है और ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है बजट रेंज में, जो मार्केट में हमें अदर कंपनी जैसे आसूस, गीगाबाइट, ये सब प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो ये छोटी छोटी कंपनियाँ लॉन्च कर देती है। तो चलिए इसकी क्वालिटी और इसका अनबॉक्सिंग देखते हैं कैसा है। तो ये मैंने बॉक्स ओपन किया है और देखते हैं, छोटा सा पैकिंग है, सिंपल है एकदम, कोई हाई फंडू नहीं है। ये मैंने कुछ 2500 में बाय किया है और ये मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो ये इसका दोस्तों ओपन करने के बाद देखिए इसकी क्वालिटी और इसकी जो हीट सिंक है बहुत अच्छे दिए हुए हैं हीट सिंक, और इसके पीसीबी बोर्ड भी बहुत क्वालिटी, मतलब जैसा होना चाहिए। मैंने लास्ट जोटे को गीगाबाइट का और गैलेक्सी का बाय किया, बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। इसमें आप देख सकते हैं DVI पोर्ट, VGA पोर्ट और HDMI पोर्ट तीनों आया हुआ है और साथ ही साथ इसके सीडीज भी आए हुए हैं। बहुत छोटा सा पैकेजिंग दिया है, बट बहुत बढ़िया दिया है दोस्तों, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और इसका मैंने लगाने के बाद भी इसका परफॉर्मेंस जाना कि काफ़ी अच्छा है। तो आई प्रेफर्ड कि मैं इसे बाय करूँगा नेक्स्ट टाइम भी, और सस्ते में बजट में है ग्राफिक कार्ड दोस्तों। मुझे मेरा ये अनबॉक्सिंग करने का एक ही रीज़न था कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है दोस्तों, यही कारण से मैं इसका अनबॉक्सिंग किया हूँ। क्योंकि मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी कंपनियाँ आ तो जाती है बट वो क्वालिटी रेंज लेके नहीं आ पाती, बट मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी करके मैंने इसका एक वीडियो निकाल लिया था छोटा सा। तो मैं बोला चलो देखते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है, और जिस तरह मुझे एक्सपेक्ट था इसका परफॉर्मेंस और इसकी क्वालिटी को लेके बहुत बढ़िया है। और एक बजट रेंज में है ग्राफिक कार्ड, 2500 में मुझे मिल गया है G210 करके ग्राफिक कार्ड है। धन्यवाद दोस्तों।